फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं बताऊंगा GSS 11E जो 11 kg ब्रेकर मशीन रहता है उसमें अगर आपका हैमरिंग नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये कमेंट करते हैं, भाई 11 kg ब्रेकर मशीन में अगर कम हैमरिंग हो रहा है तो कैसे हम उसका हैमरिंग इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में ये आपको जानकारी मिलेगा, तो कैसे हम ब्रेकिंग जो 11 kg ब्रेकर मशीन रहता है उसमें कैसे हैमरिंग इंप्रूव करेंगे। नॉर्मल सा प्रॉब्लम होता है और ये कोई भी कर सकता है। आपको एक एलएनजी का बॉक्स आपको खरीदना है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और थोड़ा छोटा मोटा टूल्स की ज़रूरत होगा उसको खोलने के लिए और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको जो टूल होल्डर के नीचे जो फ्लेंज रहता है वहाँ पे 4 एलएनजी बोर्ड लगते हैं, उसको हमको खोल लेना है। एलएनजी के माध्यम से हम उसको खोल लेंगे और ये आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। यहाँ पे देखिए ये निकल गया और सबसे पहले डैम्पिंग रिंग ये निकल जाएगा, फिर कंट्रोल डाइस यहाँ पे आपको है, ये जो प्लेन सा चीज़ है सबसे मतलब प्लास्टिक का रहता है, ये कंट्रोल डाइस है और ये स्पेशल ट्यूब यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये देखिए स्पेशल ट्यूब ये हमर पाइप से पूरा टाइट हो गया था, इसके कारण ये हमर पाइप निकल गया। आप ये जरूर ध्यान दीजिए, हमर पाइप मत निकालिए। अगर आप हमर पाइप निकालोगे तो इसमें आप लगा नहीं पाओगे परफेक्टली। अगर आपको दिक्कत होगा, अगर एक्सपेंस है तो यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन अगर हमर पाइप निकल रहा है तो आपको फिर उसका बैक कवर खोलना पड़ेगा, सब कुछ खोलना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लगा लूँगा क्योंकि एक्सपेंस है तो लगा सकते हो आप। अगर आपके पास भी एक्सपेंस है तो आप उसका पिस्टन के अंदर उसको लगा सकते हो, ये देखिए। इसको पिस्टन को सीधा करके उसको लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं बोला आपको, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप खोल के भी दोबारा लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा दिक्कत बात है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेशल ट्यूब को आपको पकड़ के खोलना है, फिर उसका जो स्ट्राइकर है उसको निकाल लीजिए और उसके अंदर आप ग्रीस दे सकते हो। देखिए ये सब निकल गया, तो यहाँ पे मैंने उसका जो हैमर पाइप बिठा लिया, फिर उसमें थोड़ा मैं ऑयल डाल दिया और यहाँ पे देखिए ये जो स्प्रिंग है इसको हमको इसके अंदर लगाना है सबसे पहले। उससे पहले दोस्तों हम इसमें ग्रीस डाल देते हैं, ये देखिए ग्रीस इतना लगेगा, पकड़ लो आप 180 से 200 ग्राम ग्रीस आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ये देखिए। ओके, मैं दोस्तों ये जेल ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये ग्रीस चाहिए तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरा खुद की वेबसाइट का, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आपको उसमें हर सब पावर टूल्स की स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा, आप एक ही छोटा मोटा चीज़ आपको सब कुछ ऑर्डर करना है तो कीजिए, कोई इशू नहीं, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्राइकर में आप जरूर ओरिंग चेक कीजिए, ये जो ओरिंग है ये बिल्कुल सही है, तो मैं ये दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, ये ओरिंग मैं लगा के उसके अंदर ग्रीस लगा के ये फिटिंग कर लिया, फिर उसमें ये कंप्रेसर स्प्रिंग को लगाएंगे और यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल वॉशिंग है, इसको भी हमको यहाँ पे लगाना है स्प्रिंग के ऊपर, ये वॉशिंग रहेगा। देखिए देखिए थोड़ा ग्रीस लगा के अब लगा लीजिए, ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे स्पेशल ट्यूब लगाना है, स्पेशल ट्यूब के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा ओरिंग दिखाई देगा, उसको भी आपको लगा के लगाना है, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर उसके ऊपर कंट्रोल डाइस यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का लगा के हम उसके ऊपर डैम्पिंग रिंग लगा लेंगे, ये देखिए ऊपर नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ग्रीस नहीं देना है, चारों तरफ आप ग्रीस लगा सकते हो, लेकिन वो ये जो स्ट्राइकर है उसके ऊपर आपको ग्रीस नहीं देना है, ये जरूर ध्यान दीजिए। अगर ये ग्रीस चला जाएगा स्ट्राइकर फिन के ऊपर तो हमर नहीं करेगा। देखिए मैं उसको चारों तरफ ग्रीस दे रहा हूँ लेकिन ऊपर में ग्रीस नहीं दे रहा हूँ, ये जरूर ध्यान दीजिए। इसका जो स्ट्राइकर जो बाहर निकला है उसको क्लीन कर लीजिए, कोई इशू नहीं, उसको क्लीन कर लिया है यहाँ पर देखिए। ओके, आप जरूर ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये जो ये कभी खाया जाता है उसको भी आप जरूर ध्यान दीजिए। और उस यहाँ पे चारों तरफ आपको ग्रीस लगाना है, ना कि इसके अंदर, ये जो होल है उसके अंदर आपको ग्रीस नहीं लगाना है। ये हो गया दोस्तों फिटिंग, अभी आपको क्या करना है उसके ऊपर लगा के बस उसमें 4 एलएनजी स्क्रू जो बोल्ट रहता है उसको टाइट कर लीजिए। ये दोस्तों ये काम ख़त्म हो जाएगा और ये हैमरिंग करने लगेगा। तो दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो देखना है जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए
हर तरह की आपको इसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हो, हर तरह की आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा पावर टूल्स का, जैसे कि ड्रिल मशीन हो गया, ब्रेकर मशीन, कटर मशीन, कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो ज़रूर नीचे दिया गया नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो लिंक में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हो। या मैं दोस्तों ये कम्प्लीट हो गया, मैं स्पीड करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है। अभी हम मशीन को चला लेंगे, देखेंगे सही से फिटिंग हुआ है नहीं हुआ है, या फिर हमारिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं बीट लगा के चेक कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, अभी हम उसके हैंडल लगा लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, शायद मैं दिया गया नंबर से या फिर मेरा लिंक नीचे है, जाके परचेज कर सकते हो, आपके होम डिलीवरी हो जाएगा, घर में डिलीवरी पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो जो आप अगर आप पेमेंट करोगे आपका पेमेंट सेव रहेगा, कोई इशू नहीं होगा, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा। थैंक यू।